1954 में केदार शर्मा एक फिल्म बना रहे थे, नाम था रंगीन रातें। इस फिल्म से पहले केदार शर्मा की ज्यादातर फिल्मों में हीरोइन हुआ करती थीं गीता बाली, लेकिन इस फिल्म में उनके लायक कोई रोल नहीं था, क्योंकि फिल्म के लिए एक ऐसी लड़की की जरूरत थी जो पॉपुलर ना हो, न्यू कमर जैसी हो, परंतु हो अच्छी कलाकार। माला सिन्हा उन दिनों नई नई आई थी और गीता बाली से जान पहचान भी हो गई थी। गीता बाली को माला सिन्हा अच्छी भी लगने लगी थी, तो गीता बाली ने माला सिन्हा का नाम रेकमेंड किया। इस तरह से रंगीन रातें फिल्म की हीरोइन बनवा दी गई माला सिन्हा। शूटिंग की तैयारी शुरू हो गई, शूटिंग हुई, पहला शेड्यूल भी हो गया। तभी अचानक गीता बाली ने केदार शर्मा से जिद की कि उन्हें भी इस फिल्म में काम करना है। उनके लिए कोई रोल तो था ही नहीं। केदार शर्मा ने मना कर दिया, लेकिन गीता बाली जिद पर अड़ गई। फिल्म में सिर्फ एक रोल बचा था माला सिन्हा के भाई का, जिसकी कास्टिंग नहीं हुई थी। गीता बाली ने कहा कि वो मेल कैरेक्टर कर लेंगी। सब हैरत में पड़ गए कि गीता कैसी अजीब सी जिद कर रही है। समझाने की कोशिश की, लेकिन गीता बाली मानी नहीं। गीता ने जिद पकड़ ली थी, गीता की जिद के सामने किसी की नहीं चली। और आप यकीन नहीं मानेंगे, गीता बाली ने मूछें लगाकर पुरुष की भूमिका निभाई। गीता बाली द्वारा अभिनीत उनकी ये भूमिका सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व सिनेमा के इतिहास में बेजोड़ है। वो इसलिए कि ये रोल पुरुष का ही था, ना कि पुरुष वेशधारी एक स्त्री का। होती है ना फिल्में के एक स्त्री ने पुरुष का वेश कर दिया, नहीं नहीं, ये रोल मेल का ही था, लेकिन फिल्म के अंदर ये गीता बाली ने किया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर।